हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं हिमांशु, आप सभी का हिमांशु मिश्रा एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे और हमारे जो सेशंस हैं उन्हें रेगुलर बेस पे फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप रेगुलर बेस पे सेशंस फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं 17 अप्रैल 2023 का ये सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये है पश्चिम बंगाल। 28 मार्च 2023 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर वेस्ट बंगाल में पथ श्री रास्ता श्री का शुभारम्भ किया। राजस्थान राज्य ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो यह है 30 मार्च। विभिन्न चरणों में रियासतें जुड़ते गई तथा अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय से बृहत्तर राजस्थान संघ बना और इसे ही राजस्थान का स्थापना दिवस कहा जाता है। 30 मार्च याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया। हीरो मोटोको के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है निरंजन गुप्ता। 1 मई 2023 से सीईओ पद का कार्यभार संभालेंगे। इसके साथ ही कंपनी की ओर से बताया गया है कि पवन मंजाल कार्यकारी चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक बने रहेंगे। हिताची पेमेंट सर्विसेज के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सुमिल विकमसे। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने कंपनी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में सुमिल विकमसे की नियुक्ति की घोषणा की है। विकमसे इससे पहले हिताची पेमेंट सर्विसेज में कैश बिजनेस के सीईओ थे। उन्होंने रुस्तम ईरानी से पदभार ग्रहण किया जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त हुए। 1 अप्रैल 2023 को विकमसे को कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया। विश्व बैंकअप दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। किसने भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को चालू किया? तो ये है अश्विनी वैष्णव। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 27 मार्च को स्टार्ट किया और कहा कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब राष्ट्रीय राजधानी में चालू हो गया है। फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री ने इन्हें चालू किया। टाटा पावर ने किसे सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है प्रवीर सिन्हा। टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा को कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया है। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि उनका पुनः नियुक्ति का अवधि 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक होगा, जो कंपनी के सदस्यों की मंजूरी के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हैं 1700 करोड़ रुपए। अब देश के तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात की जाएगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपये का समझौता किया। स्टार स्पोर्ट्स में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये है रणवीर सिंह। स्टार स्पोर्ट्स चैनल ने अभिनेता और खेल प्रेमी रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 31 मार्च को। स्विगी इंस्टामार्ट के प्रमुख के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये हैं कार्तिक गुरुमूर्ति। हाल ही में स्विगी के इंस्टामार्ट के प्रमुख कार्तिक गुरुमूर्ति ने कंपनी को छोड़ने की घोषणा की थी। किस राज्य ने परमवीर एवं अशोक चक्र में मिलने वाली राशि 1 करोड़ रुपए की? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को नकद एवं भूमि के बदले में दी जाने वाली राशि में वृद्धि की है। अब परमवीर एवं अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये हैं क्रिस गेल। क्रिस गेल आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में अब तक सबसे ज़्यादा 357 छक्के लगाए हैं। किस राज्य की शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से 2500 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी भत्ता स्टार्ट होगा। छत्तीसगढ़ सरकार 1 अप्रैल से शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की शुरुआत कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा इसके साथ ही की है। किसी अमेरिकी स्टेट ऑफ मैनेजर एंड रिसोर्स का डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया है? तो ये है रिचर्ड वर्मा। ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलोवर्स वाले दूसरे व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और फेमस सिंगर जस्टिन बीबर को पीछे छोड़ दिया है। ओबामा 2020 से पहले पायदान पर थे। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मस्क के 13.3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। वेल्सपन ग्रुप ने पानी की टंकी बनाने वाली कंपनी सिंटेक्स का अधिग्रहण कितने करोड़ रुपए में किया है? तो ये है 1251 करोड़ रुपए।
आपको राशि याद हो ना हो, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि सिंटेक्स जो है वो अब किसके अंडर चली गई है, तो वो है अब वेल्सपन। वेल्सपन ने सिंटेक्स को अधिग्रहित कर लिया है, ठीक है, अक्वायर कर लिया है कंपनी को। नई दिल्ली 30 मार्च, वेल्सपन समूह ने अपने निर्माण सामग्री पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पानी की टंकी बनाने वाली कंपनी सिंटेक्स का 1251 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। विश्व बैकअप दिवस कब मनाया गया, तो ये 31 मार्च को है। हर साल 31 मार्च को वर्ल्ड बैकअप डे मनाया जाता है। यह दिन एक रिमाइंडर है जो हमें याद दिलाता है कि डाटा का बैकअप रखना है और उसकी रक्षा करनी है। पहले वर्ल्ड बैकअप डे को वर्ल्ड बैकअप माह के रूप में मनाया जाता था, 31 मार्च को, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उस टाइम। किस राज्य ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है, तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी को अधिसूचित किया है। कैसा लगा आपको ये सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को एंड तक देखने का आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।